अस्सलामु अलैकुम, मैं जुलेखा अरफात, जुलेखास किचन से। तो चलिए आज बनाते हैं बकरी स्पेशल। आप आड़े दिन भी बना सकते हो। आज की रेसिपी है मटन कोफ्ता ग्रेवी, बहुत ही मजेदार, झटपट, आसानी से घर पर बन जाती। चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी क्विकली, विदाउट टाइम वेस्ट किए। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, एक चॉपर के अंदर सबसे पहले मैं हरी मिर्चियाँ डाल रही हूँ। मैं दो डाल रही हूँ, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। धोई हुई, नितारी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया है, वो भी डाल दीजिए। मैंने थोड़े से 5-6 कली लहसुन की ली है। बड़ी पीसेस हो तो आप दो ही डालिएगा। अच्छा, ये है मटन, 250 ग्राम मटन है, बोनलेस है। इसकी मैंने चना बूटी की है और आप देख सकते हैं हल्का हल्का इसके ऊपर चर्बी लगी हुई है। आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं, बट मैं हमेशा यहाँ पर ये बोनलेस ही लेती हूँ। इनमें मसाले डाल देते हैं। आधा छुरछे का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छुरछे का चम्मच भुना और दरदरा पीसा हुआ धनिया, साबुत धनिया, आप चाहे तो धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, आधा छुरछे का चम्मच जीरा पाउडर, आधा छुरछे का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छुरछे का चम्मच नमक डाल दीजिए, अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा, आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच चाट मसाला, आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। एक ब्रेड को मैं इस तरीके से पीसेस करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो एक ब्रेड को पानी में थोड़ा सा डिप कर लीजिए, अच्छा निचोड़ कर फिर डालिएगा। मैं नॉर्मली ही डाली हूँ। ये 2 टेबलस्पून बिरिस्ता है, प्याज का बिरिस्ता, थोड़ा सा फैट था तो मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून घी डाला है, असली घी। आप तेल भी डाल सकते हैं या मक्खन भी डाल सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब इसे ढक कर बहुत ही अच्छा इसे पीस लीजिए। अच्छा, पीसना ऐसा है ना कि जैसे हम सीख कबाब के लिए कैसे करते हैं, एकदम टेक्सचर आपको लगता है कि घुल चुका है और एक दूसरे में एम्बाइब हो चुका है, वैसा पीसना है हमें। अच्छा, मैं यहाँ खोल कर देख रही हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे मॉइस्चर लग रहा है, तब मैं यहाँ एक ब्रेड फिर से पीसेस करके डाल रही हूँ। अगर आपका ये समय एकदम घुल चुका है तो आप 2 ब्रेड मत डालिएगा, 1 ही डालिएगा, बट मुझे यहाँ 2 ब्रेड लगे। चलिए, इसे बहुत अच्छा मैंने पीस लिया है, ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। और अब इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लीजिए, बीच में इसके स्पेस कर दीजिए, एक स्टील की वाटी रख दीजिए या फॉइल पेपर की वाटी बना के रख दीजिए, उसमें गर्मा गर्म कोयले को रख दीजिए, तेल डाल दीजिए क्विकली या घी या मक्खन डालकर इसे क्विकली ढक कर इसके ऊपर कुछ वजन रख दीजिए और 2-5 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए। आप चाहे तो ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। चलिए, 4-5 मिनट हो चुकी है, मैं ये हटा देती हूँ और कोयले को फेंक दीजिए, प्याली को साइड पर रख दीजिए। सबसे पहले एक बार मिक्स कर लीजिए मिक्सचर को, और अब है ना यहाँ साइड पर जो तेल रखा है उसकी मदद से मैं इक्वली डिवाइड कर लेती हूँ ये कीमे को। मैं बना रही हूँ, समझिए ना, 10 से 11 कोफ्ते। आप आपके हिसाब से बड़े बनाने चाहें तो आप बड़े बड़े बनाइए तो कम बनेंगे, मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ तो ज़्यादा बन रहे हैं। तो अब बस उसे हाथों को थोड़ा सा तेल की मदद से ग्रीस कीजिए और इस तरीके से बॉल बना लीजिए। तो ये हो गया हमारा एक कोफ्ता, इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे कोफ्ते बना लीजिए। तो चलिए, सारे बन चुके हैं ये आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मेरे गुलाब जामुन की तरह लग रहे हैं। वैसे गुलाब जामुन की भी रेसिपी है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ चेक कर लीजिएगा। चलिए, अभी हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए और फास्ट आँच पर गर्म कर लीजिए। तेल अच्छा गर्म हो जाए चूल्हा कर दीजिए मीडियम आँच और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारे मटन के कोफ्ते डाल दीजिए। आप चाहें तो 2 बैचेस में डाल सकते हैं, मैं 1 ही बैच में बना रही हूँ, लेकिन आप 2 बैच में बनाइएगा। चलिए, अब यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। जब कुछ सेकंड्स के बाद आप एक बार चला लीजिए चम्मच से या फिर ऐसे ही पतीली जैसे मैंने किया है वैसा कर लीजिए, तो पता चल जाएंगे कि कुछ चिटक विटक नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई फूट नहीं रहा है। तो मैं तो बाकी के सारी भी डाल रही हूँ इसी के अंदर। और हमारा मकसद यहाँ ये है ना कि उलट पलट करते हुए इन्हें चारों ओर से लाइट गोल्डन ब्राउन आए तक पका लें। हमें पूरी तरीके से पकाना नहीं है, हम बस लाइट गोल्डन ब्राउन इसकी कवरिंग कर रहे हैं सो दैट खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगे। तो चलिए, ये सारे हो चुके हैं, चारों ओर से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो मैं निकाल कर इन्हें साइड पर रख देती हूँ। चलिए, ये देखिए सारे बन चुके, कितने खूबसूरत भी लग रहे हैं और माशाल्लाह 250 ग्राम में 11 बन गए हैं कोफ्ते, बढ़िया सी बात है। चलिए, इन्हें साइड पर रख दीजिए। सेम वही पतीली के अंदर से तेल थोड़ा निकाल लीजिए। अब इसमें गर्म मसाले डाल दीजिए, 1/4 छोटे चाय का चम्मच साबुत जीरा, 1 डंडी दालचीनी की, 2 हरी इलायची, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च और 1 तेज पत्ता। ये सारों को तेल
के अंदर डाल दीजिए और तड़तड़ा जाने दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। जब तड़तड़ा जाए ये सारे गरम मसाले, तो यहाँ पर डाल दीजिए 2 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। ये टमाटर है एक मीडियम साइज का, मैंने पीस के रखा है। चूल्हा मैंने स्लो पर करके भून रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा तेल गर्म हो गया था, आप मीडियम पर भी रख के कर सकते हैं। चलिए ये अच्छा भुना गया है तो मैं यहाँ टमाटर का पेस्ट डाल देती हूँ। एक मीडियम साइज का टमाटर था ये। सबसे पहले टमाटर के पेस्ट को मिक्स कर लीजिए, चला लीजिए, चूल्हा स्लो पर ही रहने दीजिए। आप डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर। वैसे ये वाली जो है ना धनिया वाली आधी छोटी चाय की चम्मच है, इसके लिए मैं 3 बार डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैं 3/4 छोटी चाय का चम्मच ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आपका ज़्यादा स्पाइसी हो तो आप कम डालिएगा। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू करके इसे चला लीजिए और अब हमें भूनना है ये मसाले को। यहाँ पर मैंने साइड पर 1/4 कप पानी डालकर रखा है मिक्सर जार के अंदर। चूल्हा मीडियम मैंने कर दिया, इसे थोड़ी देर आधे एक मिनट तक भून लीजिए। जब तेल छूट जाए और तेल ऊपर आ जाए और मसाला थोड़ा भून जाए तो ये पानी डाल दीजिए यहाँ पर जो साइड पर रखा है 1/4 कप वाला, और इसे भी मिक्स कर लीजिए। और इसमें हल्का सा उबाल आ जाने दीजिए, जब उबाल आता है तो ढक कर स्लो आंच पर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। ये है 1/4 कप जितना बिरिस्ता, इसे मैं बारीक पीस लेती हूँ मिक्सर जार के अंदर डालकर। चलिए ये 3-4 मिनट हो चुकी है, तेल आप देख सकते हो ऊपर आ चुका है। तो ये जो बिरिस्ते का मैंने अभी पेस्ट टाइप बनाया है बिना पानी डाल के बनाया है, हाँ तो ये डाल देती हूँ मैं सारा इसके अंदर। और इसे एक बार चला लीजिए और फिर से ढाक कर स्लो आँच पर दम पर रहने दीजिए। तब तक तेल नहीं छूट जाता, जब तक जब 2-3 मिनट हो जाए और तेल छूटने लगे, तेल छूट जाए तो फिर से 1/4 कप जितना पानी मिक्सर जार के अंदर डालिए जिसमें हमने बिरिस्ता पीसा था, उसके अंदर डालकर चलाकर इसमें डाल दीजिए। एक बार चला लीजिए सालन को स्लो आंच पर, ढक कर इसे फिर से दम पे पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। चलिए 2-4 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं तेल छूट गया। चूल्हा मैं मीडियम आंच पर कर देती हूँ और 1/4 कप जितनी दही डालिए और क्विकली इसे बार बार चलाते हुए दही को मिक्स कीजिए। इतना मिक्स कीजिए आधे एक मिनट तक कि कोई गुठलियाँ ना रहे हाँ, और कुछ ऐसा कटल अपना हो जाए, बस इसी के लिए हमें मिक्स करना है मीडियम आंच पर। जब अच्छे से मिक्स हो जाए और 1 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर इसे पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक दही भून नहीं जाती और तेल नहीं छूट जाता। चलिए 3-4 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए तेल ऊपर आ चुका है। सारी चीज़ें 2-3 बार मैंने भुनी थी मसालों को, टमाटर भी 2-3 बार भुन चुके हैं, दही भुन चुकी है, चूल्हा मैंने फास्ट आंच कर दिया और यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ। पानी आप हिसाब से डाल सकते हैं अपने। अब मैं यहाँ 1/4 कप जितना डाल रही हूँ और एक उबाल खिला लीजिए। नमक वैसे तो डाला हुआ ही था तो मैं एडजस्ट नहीं कर रही हूँ, आपको लगे तो डाल दीजिएगा। अब जब उबाल आ जाए तो ये हमने जो कोफ्ते फ्राई करके रखे हैं ये सारा डाल दीजिए। जो प्लेट में थोड़ा बहुत भी तेल वगैरह लगा हो वो भी लेके इसमें डाल दीजिएगा और एक बार मिक्स कर लीजिए और स्लो आंच करके इसे ढक कर तकरीबन 20 मिनट तक दम पर पकने दीजिए। चलिए 20 मिनट हो चुके हैं और मेन तो हमारे कोफ्ते गलने थे, वो गलने के लिए हमने रखे थे, वो हो चुके। एक बार आप छुरी की मदद से चेक कर लीजिए, एकदम आसानी से चले जाएं, इसका मतलब हमारे कोफ्ते हो चुके हैं। चलिए अब आप नमक चखना है, चखकर अगर एडजस्ट करना है तो कर लीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनी है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद, इसे गर्मा गर्म प्याले में निकाल कर सर्व करें रोटी पराठा फुलका बटर नान किसी के साथ भी। इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो ये बन गए हमारे मटन कोफ्ता करी, मज़ेदार सी चटपटी सी बढ़िया सी ग्रेवी मुझे परफेक्ट लग रही है। अगर आपको कम लग रही हो तो 1/4 कप जितना पानी गरम करके ग्रेवी के अंदर डाल दीजिए इसके सालन के अंदर और इसे दम पर स्लो आंच पर 4-5 मिनट पकने दीजिए और उसके बाद बंद करके सर्व कीजिएगा। तो है ना मजेदार रेसिपी। आपको अगर अच्छी लगी हो ये रेसिपी तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए ये वाले वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा। और अगर हाँ अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये वाली रेसिपी कैसे लगी। मुझे फीडबैक्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।